नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से। मुरैना जिले के जौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक अपनी लाइसेंसी बंदूक को थाने से ले जा रहा था। बंदूक को चेक करते समय उससे बंदूक चल गई और इस गोलीबारी में बंदूक की गोली एक राहगीर को थाने के सामने जा लगी। राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने जौरा अस्पताल में हंगामा किया। इसके बाद शव को जिला अस्पताल में काफी पुलिस बल की मौजूदगी में भेजा गया। मृतक विमल शाख के जौरा थाने के हतिया गांव का निवासी है। जिस युवक की बंदूक से गोली चली है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उससे पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मुरैना से सोनू सिकरवार की रिपोर्ट। एक व्यक्ति अपना जो आम लाइसेंस है उसको वापस लेने आया हुआ था, तो उसने एक दो वेपन्स थे उसके जमा, एक कलेक्ट कर लिया था, दूसरा कलेक्ट कर रहा था, तो जो एक रखा हुआ था वहाँ पे किशोर शर्मा नाम का व्यक्ति बैठा था, उससे गलती से एक वेपन कॉक हुआ और उसका ट्रिगर दब गया। उसी में वहाँ पे एक रास्ते में चलने वाले एक विमल शाख के हैं, वो जा रहे थे, उनके बुलेट लगी है, अभी उनको हॉस्पिटल लाया गया है और मेरे ख्याल से डॉक्टर्स ने बताया उनकी डेथ हो चुकी है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर। जबलपुर में देर रात NSUI ABVP में संघर्ष। पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े। संस्कार धानी में देर रात उस वक्त बवाल मच गया जब अभाविक कार्यालय में NSUI कार्यकर्ता आधम के। NSUI का आरोप था कि अभाविक दफ्तर में अनैतिक गतिविधि हो रही है। NSUI ने यहां परिषद नेता उपेंद्र धाकड़ पर FIR की मांग भी की। जब अभाविक कार्यकर्ताओं को इसकी खबर लगी तो वह भी यहाँ पहुँच गए। इस बीच यहाँ पत्थरबाजी भी शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच तनातनी जब हिंसा का रूप लेने लगी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी बीच बिगड़ती स्थिति को देख भारी पुलिस बल बुला लिया गया। पुलिस अधीक्षक अमित सिंह स्वयं मौके पर पहुंचे तथा दोनों छात्र संगठनों से बात की। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। यहाँ पे आप थोड़ी देर पहले जिस तरह पूर्व संगठन मंत्री उपेंद्र धाकड़ के द्वारा खून कालिक का दिखावा करता है और चंचलाबाई कॉलेज से लेकर भोपाल तक सारी शासकीय कॉलेज की लड़कियों को उसने एक सामान बना के रखा हुआ है, कभी भी यूज़ करता है, कभी भी छोड़ता, सबसे शादी के वादे करता है। जबलपुर में एक घटित दुर्घटना, पूनम यादव के सम्मान में आज NSUI विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में प्रशासन की मदद से केवल जांच करवाने आई थी कार्यालय का, उसके बाद भी प्रशासन ने समर्थन के साथ देते हुए विद्यार्थी परिषद ने पहले से असला बम बारूद पत्थर रखा। विद्यार्थी परिषद के पूर्व संगठन मंत्री जो जबलपुर में विगत लंबे समय तक सदस्य रहे बहन धाकड़, उनके द्वारा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की एक योग शिक्षिका के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में लगातार दुष्कर्म किया गया, जिसकी शिकायत योग शिक्षिका द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय महिला थाना प्रभारी को दी गई, किंतु कोई भी कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। इसी संदर्भ में आज NSUI के द्वारा विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया गया। ये अभी ABVP कार्यालय के सामने NSUI के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। उनका कहना है कि अभी जो धाकड़ एपिसोड चल रहा है उससे जुड़ी हुई कुछ महिलाएं कार्यालय में हैं। पुलिस तत्काल पहुंच गई थी, दीपक मिश्रा के नेतृत्व में जबलपुर पुलिस और अगल बगल के जो थाना प्रभारी आ गए थे, उन्होंने डिस्पर्स करने के लिए स्टेटमेंट चलाए। अभी शांति है, किसी भी तरीके का कोई चोटिल नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी केवलारी से। सचिव ने पकड़ा महिला का हाथ, किया बदतमीजी। महिला से अभद्रता करने वाले सचिव की तलाश में जुटी पुलिस। प्रधानमंत्री आवास योजना के मामले को लेकर एक महिला के साथ बदतमीजी करने वाले सचिव को पुलिस तलाश कर रही है।
मामला केवलारी थाना क्षेत्र का है। केवलारी थाना की पलारी चौकी के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवघाट निवासी महिला ने पुलिस चौकी पलारी में चिरचिरा पंचायत के सचिव सुखदेव ठाकुर पर काम के बदले छेड़छाड़ हरकतें करने की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने के लिए हमने आवेदन किया हुआ है। इस मामले में सचिव सुखदेव ठाकुर के द्वारा हीला हवाला किया जाकर प्रकरण में लगातार चक्कर कटवाए जा रहे थे। आगे पीड़ित महिला ने बताया कि दिनांक 28 मई को मोती दादा आश्रम में रोजगार गारंटी के तहत कार्य चल रहा था। उसी दौरान लगभग 11 से 12 के बीच सचिव पानी पीने के बहाने मेरे घर आया। उस समय मैं घर पर अकेली थी, मेरे पति पूजन करने बाहर गए हुए थे। तब मैंने सचिव से पूछा कि हमारा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में आया कि नहीं, तो सचिव ने कहा कि आपका मकान लिस्ट में भी आ गया और मैं बनवा भी दूंगा, लेकिन आपको पहले मुझे खुश करना पड़ेगा। ऐसे और भी गंदे शब्द का उपयोग सचिव ने किया। पुलिस ने इस मामले में IPC के धारा 354 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी केवलारी से बालमुकुंद सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम सीमा पांडे है, देवघाट देवघाट के निवासी हम लोग, और ग्राम पंचायत चिरचिरा टोला से सुखदेव ठाकुर सचिव के द्वारा हम लोगों ने पूछा घर का नाम आया कि नहीं, तो वो 28 तारीख को 11 बजे घर आया पानी पीने के बहाना से और हाथ पकड़ के पलंग तरफ खींचने लगा। जब मैंने उनको चिल्लाई या अभी रुक जाओ गांव वालों को बुलाती हूँ, तो वो बाहर भाग गया। तो क्यों खींचने लगा था, क्या कह रहा था, आपने क्या बोली? तो साहब मैंने पूछी थी कि मेरे घर का नाम आया कि नहीं आया। इससे पहले भी दो बार उन्हें टॉर्चर कर चुका है मेरे को, पर मैं दबा के रखी थी। मेरे पति थोड़े अलग टाइप के थे। काय में नाम आया घर का, कौन सा मकान? वो आवास योजना। आवास योजना जी। सचिव से आपने चर्चा की, क्या बोला उसने? वो बोल रहा था कि पहले मेरे से मिलो, गंदे शब्दों का उपयोग बार बार कर रहा था। क्या कह रहा था वो? मिलो कह रहा था और पलंग तरफ हाथ पकड़ के खींचने लगा। तब मैं जानी कि नहीं, ये यानी कि इसका स्वभाव अलग ही है और ये अलग बात सोच रहा है। तो आपने उसकी शिकायत? जी 28 तारीख को किया था उसने, और इससे पहले भी एक दो बार और कह चुका था। फिर आखिरी हो गया जब फिर मैंने अपने पति से बताई। मैंने दो दिन तक नहीं बताई, दबा के रखी ये बात को, और फिर बताना ही पड़ा, मेरे को चैन ही नहीं पड़ रहा था। फिर बताई तो हम लोग पुलिस चौकी में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाए। लिखित शिकायत किए थे कि मौखिक शिकायत की? मौखिक। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? जी नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? उसको सजा मिलना चाहिए। कार्रवाई चाहते हैं जी। ग्राम देवघाट की महिला, इसका बंदा का नाम बोल रहा हूँ, सुनीता पांडे, इसको मकान बनाने के नाम से राशि दिलवाने का लोग लाश देकर पानी पीने गया था। सुखदेव ठाकुर सचिव ग्राम पंचायत चिरचिरा का, और उससे वहाँ पानी पिया और साथ में सोने के लिए और संबंध बनाने के लिए बातचीत करने लगा। पर से इसकी रिपोर्ट पर से अपराध कायम किया गया था। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। सहारा इंडिया के एजेंट ने पेट्रोल डालकर कर ली थी आत्महत्या। आत्महत्या के पहले बनाया था वीडियो। सिवनी में 6 जून को सहारा इंडिया के ऑफिस में सहारा इंडिया के एजेंट मुकेश सराठे के द्वारा पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर ली गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। उसका आरोप था कि सहारा के बैंक मैनेजर श्री राम पासवान उसका और उसके ग्राहकों का पेमेंट नहीं कर रहे हैं और कई दिनों से चक्कर कटवा रहे हैं। इसी के चलते वह 6 तारीख को सहारा इंडिया के ऑफिस में पहुंचा और पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इलाज के लिए उसे जबलपुर रेफर किया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं अब आत्महत्या के पहले मुकेश सराठे का स्वयं के द्वारा बनाया गया एक वीडियो सामने आया है। इसमें उसने अपनी पूरी परेशानी बयान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि जितने भी सहारा इंडिया के ग्राहक है उनका पैसा दिला दे, क्योंकि यह पैसा खून पसीने की कमाई से एक एक पैसा करके जोड़ा जाता है। वीडियो में उसने स्पष्ट कहा है कि मैं अपने होशो हवास में यह कदम उठा रहा हूँ। 4 मिनट कुछ सेकंड के वीडियो में मुकेश ने अपनी पूरी बात रखी और स्पष्ट तौर पर कहा कि उसकी मौत का कारण सिर्फ सहारा इंडिया ही है।
सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए सिवनी से बालमुकुंद सिंह की रिपोर्ट। वो व्यक्ति ऐसे कदम उठाता है जिस कदम की कुछ लोगों को उम्मीद नहीं होती, और मैं आज वो कदम उठाने जा रहा हूँ जिसके शायद किसी को उम्मीद नहीं होती। I am suicide, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज न्याय चाहिए मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे निवेशकर्ताओं को और भी मेरे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, जो मुझे न्याय चाहिए और उन लोगों को। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर, 1.5 अरब के झूला पुल का जबलपुर में विरोध शुरू। जबलपुर में जीवनदायिनी नर्मदा नदी को पार करने 3 जगह झूला पुल बनाने की योजना तैयार हो गई है, लेकिन अब ग्वारी घाट में इसका विरोध शुरू हो गया। यहां के रहवासियों आज झूला पुल का विरोध प्रदर्शन करते हुए झूला पुल नहीं हमें पक्का पुल चाहिए के जमकर नारे भी लगाए गए। साथ ही लोगों ने सरकार को चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। लोगों का कहना है कि झूला पुल बनने से उन्हें परेशानी होगी, उन्हें घूमकर जाना पड़ेगा, जिसके कारण उनका समय तो बर्बाद होता ही और आवागमन करने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, जिसके कारण की मांग है कि पूर्व में स्वीकृत हुआ पक्का पुल ही यहां बनाया जाए ताकि लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी जबलपुर में विभिन्न विकास कार्य जारी है। शहर की सड़कों को स्मार्ट बनाने के साथ नागरिकों को रोजाना कई संदेश देकर स्मार्ट बनाने की कोशिशें भी चल रही है, इसलिए शासकीय विभागों के अधिकारी इसमें अपना योगदान देकर जबलपुर की तस्वीर को बदलना चाहते हैं, इसलिए अधिकारियों ने झूला पुलों के निर्माण को प्राथमिकता दी। PWD और नगर निगम ने लम्हेटा घाट, सरस्वती घाट और ग्वारी घाट में यह झूला पुल बनाना है। यह तीनों झूला पुल बनाने में लागत करीब 150 करोड़ 1.5 अरब का खर्चा होना बताया गया है। अब देखना यह है कि इन झूला पुलों का विरोध शुरू करने के बाद प्रशासन किस नतीजे पर पहुंचता है। जबलपुर से सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रस्ताव पारित हुआ था, झूला पुल सैंक्शन हुआ यहाँ पर, और यहाँ की जनता चाह रही है कि झूला पुल ना बने। क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि जो बाद में जो लोग बीमार हो जाते हैं, सब हो जाते हैं, हम लोग को फोर व्हीलर से इधर से घूमने में बहुत दिक्कत जाती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पक्का ही पुल बने। जो पूर्व में स्वीकृत हुआ था उसी पुल को बनाया जाए। जो नई सरकार आई है, नई सरकार ने उसको झूला पुल कर दिया जो पक्का पुल था, तो हम लोग चाहते हैं जो पूर्व में स्वीकृत पुल है उसी पक्का पुल ही बनाया जाए, चाहे लेट हो जाए। क्या वजह रही जो कैबिनेट की बैठक में पक्का पुल को झूला झूला नहीं है, झूला चाहिए नहीं हमें, सिर्फ चाहिए। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मंदसौर से। मंदसौर जिले में हो रहे प्रशासनिक स्थानांतरण से जिले में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसी स्थिति हाल ही में बनी जब मंदसौर में नए SP का आगमन हुआ और अपराधी जैसे नए SP का स्वागत कर रहे हो उस प्रकार से आपराधिक घटना को अंजाम दिया, इसी कारण आज भाजपा के आह्वान पर दलोदा बंद रहा। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए मंदसौर से संतोष धनगर की रिपोर्ट। आक्रोश आम जनता में और व्यापारियों में है, और इस आक्रोश की इस घड़ी में जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है, प्रशासन पूरी तरह से भय में है। भय इस बात का है कि कब किस अधिकारी का ट्रांसफर हो जाए, वो उस डर में है, और इस डर के चलते अपराधी हावी हो चुके हैं, और अपराधियों के द्वारा लगातार इस प्रकार की अभी 15 दिन के अंदर दलोदा के अंदर 2 घटनाएं घट चुकी है। आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर। प्रस्तुत है आज की खबर। खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से। मंदसौर में 7 दिन से चल रही भागवत कथा का मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता की उपस्थिति में हुआ समापन। सुप्रीम पावर न्यूज के जिला ब्यूरो संतोष धनगर को किया गया सम्मानित। मंदसौर जिले के रिंछा बच्चा गांव में लगातार 7 दिनों से चल रही भागवत कथा में कथावक्ता भागवताचार्य श्री प्रफुल जी व्यास मोयाखेड़ा में कल पूर्ण आहुति हुई, जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता, मंदसौर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष नरेंद्र पाटीदार व युवा पत्रकार संतोष धनगर, पूर्व सरपंच राम गोपाल पाटीदार आदि समाज सेवी व ग्रामीण जन उपस्थित रहे।
इन 7 दिनों में पूरे ग्राम में धार्मिक माहौल रहा, जिसका भरपूर धार्मिक लाभ ग्राम की जनता ने लिया। भागवत कथा का समापन एक छोटे से कार्यक्रम के रूप में किया गया, जिसमें सुप्रीम पावर हंटर न्यूज द्वारा किए गए कवरेज के लिए मंदसौर के सुप्रीम पावर न्यूज जिला प्रतिनिधि संतोष धनगर को सम्मानित किया गया। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। आपके अपने डीप न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर को सब्सक्राइब कीजिए और पाए देश प्रदेश और जिले की ताजा तरीन खबरें अपने ही मोबाइल पर रोज रात 9 बजे। नमस्कार। We'll be right back.